आपने इंटरव्यू पढ़ा है, पूरा इंटरव्यू 1 घंटे 9 मिनट का आप लोग देख लीजिए। उन्होंने इतने साल भारतीय जनता पार्टी में रहकर, राज्यपाल रहकर इतने साल, और बड़े ऐसे राज्यों में वो राज्यपाल रहे जो बड़े नाजुक थे, उन्होंने जो कहा है ये एक बहुत बड़ा खुलासा है, ये पर्दाफाश करती है, और यही सच्चाई है जो ना कोई चैनल दिखाएगा ना कोई मीडिया में लिखेगा। पर ये कब तक दबेगा, ये सब बातें कब तक दबेंगी, प्रश्न तो ये है। अच्छा, दूसरी चीज, शिवराज सिंह जी विभिन्न घोषणाएं कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं घोषणाएं कर रहे हैं। मेरा साफ प्रश्न है कि 18 साल में आपने जो नहीं किया, आखिरी 5 महीनों में आप जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं इन घोषणाओं से। लाडली बहन, आपको लाडली बहन पिछले 18 साल में तो याद नहीं आई, चलिए 18 साल नहीं याद आई, 10 साल पहले नहीं याद आई, 5 साल पहले नहीं याद आई, 3 साल पहले नहीं याद आई, चुनाव के समय आपको याद आती है लाडली बहन। जो भी घोषणाएं हैं हमारे कर्मचारियों, शासकीय कर्मचारियों के प्रति, आज ये सब जो 18 साल में नहीं किया 5 साल में उन्हें सूझ रहा है, तो इससे तो बात स्पष्ट होती है कि ये खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने बहुत सारी गलतियां करी, ये तो मुझे पहले करना चाहिए था। ये तो खुद ही अपने आप स्वीकार कर रहे हैं कि ये सब जो मुझे पहले करना चाहिए था अब मैं आखिरी 5 महीनों में मध्य प्रदेश की जनता और मतदाताओं को मूर्ख बनाने के लिए मैं कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश की घटना हुई जिसमें अति कैमरे के सामने देखिए, बड़े दुख की बात है, आज खुले रूप से जो ये मर्डर हो रहे हैं ये क्या इशारा करते हैं कि हमारी कानून व्यवस्था क्या है, क्या राजनीति हो रही है अब उत्तर प्रदेश में और अपने देश में। साफ मर्डर हो रहा है, एक दिन किसी का होता है, उसके दिन भाई का होता है, ये क्या संकेत है इसके? ये आज सबको सोचने की बात है, केवल मुझे सोचने की बात नहीं है, पूरे समाज को सोचने की बात है कि कहाँ अपना उत्तर प्रदेश और कहाँ अपना देश घसीटा जा रहा है। ये घटना अगर उत्तर प्रदेश में हुई है जो सबसे बड़ा प्रदेश है, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसमें मैं सोचता हूँ सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट इसका खुद नोटिस ले और इसकी जांच ऑर्डर करे। सर, आदित्यनाथ ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, विधानसभा में कहा था मिट्टी में मिला, किसने कहा था? मिट्टी में मिला देंगे। अब देखिए, ये वहाँ की मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा था, पर मुझे ये पता है इस घटना के बारे में जो आज आया है, और ये भी बहुत सारी बातें मीडिया में नहीं आ रही, ये सब बातें मीडिया में नहीं आ रही, ये तो मीडिया को भी मिट्टी में मिलाना चाहते हैं, मिलाया हुआ है। चलिए, बाल कांग्रेस का गठन किया था क्योंकि राजीव गांधी ने 18 साल की उम्र तो बच्चों को वोट का अधिकार दिया था, और यही बाल कांग्रेस भविष्य में हमारे नौजवान होंगे, नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। इनको अपना स्थायी इतिहास मालूम होना चाहिए, इन्हें हमें रक्षा देनी है कि ये गुमराह ना हो जाए, बच्चे गलत रास्ते पर ना चले। ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये एक सांस्कृतिक दल है, ये दल है कि उनको सही जानकारी देश की, देश के इतिहास की, देश की संस्कृति की, देश के बारे में उन्हें मालूम हो।